Hey guys, this is Rahul and I again welcome you to this channel of mysurgery.com. Guys, अगर आप एक अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हैं या आप एक अच्छा प्रोग्रामर बनना चाहते हैं तो आपको इन चार पीस की वैल्यू को समझना होगा और साथ ही उन्हें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करना होगा। उसके बाद ही आप एक अच्छा प्रोग्रामर या एक अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में अपने आप को स्टैब्लिश कर पाएंगे। सो बेसिकली आज का ये वीडियो कुछ टिप्स पर बेस्ड है जो मैं आपको देने वाला हूँ और ये टिप्स आपको एक बेहतर प्रोग्रामर बनने में ज़रूर हेल्प करेगी। इस तरह के ढेरों वीडियोस यूट्यूब पर हैं लेकिन स्टिल मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो टिप्स बेसिकली मैंने कुछ स्टूडेंट्स पर इम्प्लीमेंट कर देखे हैं। मैंने स्टूडेंट्स को उन तरीकों से प्रोग्राम बनाने के लिए कहा और कुछ दिनों बाद उनका रिजल्ट या उनका फीडबैक बहुत पॉजिटिव आया। सो वही सारे टिप्स मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। सो गाइस, इन चार पीज में से पहले पी का मतलब है प्रोग्राम। जब तक आप बहुत सारे प्रोग्राम्स को सॉल्व नहीं कर लेते आप एक बेहतर सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं बन सकते। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ एक प्रोग्राम तो बनता नहीं है, आप ढेर सारे प्रोग्राम बनाने की बातें बता रहे हैं। सो बस उस एक प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए ही हमारा दूसरा पी काम आने वाला है जिसे हम कहेंगे प्रैक्टिस। बिना प्रैक्टिस के आप किसी भी प्रोग्राम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। It takes lot of time to become a good software developer. It takes lot of time to solve one question. Beginners को एक mid level के question को solve करने के लिए 3 से 4 घंटा बहुत आराम से लगता है। मैंने कुछ students को देखा है जिन्हें मैंने beginning में कुछ intermediate level की problem solve करने के लिए दी और उन्होंने उसे solve करने के लिए लगभग 3 से 4 घंटे का time लिया। बट उन 3 से 4 घंटे में उन्होंने वो क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया और इन 3 से 4 घंटे में जिस पर्टिकुलर पी ने उन्हें उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बिठाए रखा उसका नाम है पेशेंस। तो दिस इज द थर्ड पी, पेशेंस। सो एक अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने के लिए आपको बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाने की ज़रूरत है पर एक प्रोग्राम को पहले सॉल्व करने के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है और वो प्रैक्टिस आप कर सकें, आप बैठे रहें उस एक प्रोग्राम को सॉल्व करते तक जब तक वो सॉल्व ना हो जाए उसके लिए आपको ज़रूरत है पेशेंस की। और ये पेशेंस अपने आप में आ जाएगा अगर आप आपकी प्रोग्रामिंग हैबिट को या आपको एक बेहतर प्रोग्रामर बनना है इस बात को एक पैशन बना लें। सो मुझे एक बेहतर प्रोग्रामर बनना है, अगर आपने ये बात अपना पैशन बना लिया तो फिर पेशेंस भी आ जाएगा, फिर आप प्रैक्टिस भी करने लगेंगे और प्रैक्टिस के कारण आपसे प्रोग्रामिंग भी होने लगेगी। अब ये सब सुनने के बाद आपके मन में जो आ रहा होगा उस पर मुझे एक मूवी का डायलॉग याद आ रहा है कि सर आपने डायग्राम तो बहुत अच्छा ड्रॉ कर दिया है, इसके अंदर अब कलर कैसे भरना है वो और बता दीजिए। सो आई नो जो मैंने बताया उसे इम्प्लीमेंट करना इतना आसान नहीं है पर नामुमकिन भी नहीं है। इसलिए अब इसे इम्प्लीमेंट कैसे करें और प्रोग्रामिंग को आसान कैसे बनाएं इसके लिए आपको कुछ टिप्स देने जा रहा हूँ। सो मेरा पहला टिप्स बिगिनर्स के लिए ये है कि वो लैपटॉप को यूज़ ना करें। जब आप बिगिनर हैं और आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो आपके लॉजिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप लैपटॉप या डेस्कटॉप को कुछ समय के लिए साइड में रखें, आप एक कॉपी और पेन को यूज़ करें, आप पेन और पेपर की हेल्प से प्रोग्राम को बनाएं। ऐसा करने से आपके सिंटेक्सेस और स्ट्रॉन्ग होंगे क्योंकि जो आप बनाएंगे उसी को बाद में आप आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप पर टेस्ट कर लीजिएगा और जो जो गलतियां हैं उसे ईमानदारी से नोट कीजिएगा कि क्या वो गलतियां आपने रजिस्टर में या कॉपी में लिखते समय भी की थी। सो पहला टिप तो ये कि अगर आप बिगिनर हैं आप पेन और पेपर को यूज करें प्रोग्राम्स को बनाने के लिए। इससे आपको सिंटेक्सेस ज़्यादा जल्दी याद होंगे और वो काफ़ी समय तक याद भी रहेंगे। दूसरी टिप, एक प्रोग्राम आप एफिशिएंटली तभी बना पाएंगे जब उस प्रोग्राम का एल्गोरिथम आपके आंखों के सामने चलने लगेगा और ये स्टेप आने के लिए आपको बहुत सारे प्रोग्राम्स को ड्राई रन करके देखना होगा। मतलब जो प्रोग्राम आपने आपके कॉपी पर बनाया है उसे आप कंप्यूटर की हेल्प से रन ना करें बल्कि उसे मैन्युअली एक एक लाइन को इवेलुएट कर अपने कॉपी पर ही करें रन। ऐसा करने से आपको प्रोग्राम का लॉजिक बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप आपके प्रोग्राम में लूप को यूज कर रहे हैं तो उस लूप को बिगिनिंग टू एंड तक अपने कॉपी पर ही अनफोल्ड करके देखें मतलब उसमें जो जो लाइन चलने वाली है उसे हर रोटेशन के साथ आप आपकी कॉपी पर ट्रेस करें।
ऐसा करने से आप प्रोग्राम की उन बारीकियों को समझ पाएंगे कि कैसे एक प्रोग्राम कहाँ से शुरू होता है, कहाँ इंटरमीडिएट स्टेट में पहुँचता है, कहाँ पर उसमें एरर आने के चांसेस हो जाती है, क्या वो गलतियाँ होती है जो हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते, बट जब कोड अनफोल्ड हो रहा होता है तो वही कुछ एरर का कॉज बनता है। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में तभी बैठ पाएगी जब ये सारा काम आप मैनुअली करके देखेंगे। नो डाउट ऐसा करने पर आपका एफर्ट भी ज़्यादा लगेगा और आपको टाइम भी ज़्यादा देना होगा, लेकिन इस चीज़ को अगर आप कंटिन्यू प्रैक्टिस में रखेंगे तो एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब आपको उस लूप को देखने भर से या किसी लॉजिक को देखने भर से आपके दिमाग में ही एक इमेजिनेशन शुरू हो जाएगा कि ये कहाँ से शुरू होगा, इसके बाद अगली लाइन क्या इवेलुएट होगी, इसके बाद फिर क्या होगा, किस लाइन पर शायद एरर आने के चांसेस होंगे। ये चीज़ें आप धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ सीख जाएंगे, पर ये चीज़ें तभी हो पाएगी जब आप मैनुअली कोड को ट्रेस करना सीख लें। और तीसरी और लास्ट टिप ये है कि जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाएं और उसमें अगर कोई लॉजिकल एरर आए, लॉजिकल एरर मतलब वो डिज़ायर आउटपुट को प्रोड्यूस ना करें, तो उस कोड को छोड़ ना दें, बल्कि उस कोड से ही आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उसे आराम से अपने साथ लेकर बैठें और उस पूरे कोड को मैनुअली ट्रेस करें, जिस इनपुट पर आप जो आउटपुट चाहते थे वो प्रोड्यूस क्यों नहीं हो रहा है, इस चीज को ढूंढने के लिए उस कोड को लाइन बाय लाइन ट्रेस करें। और आई एम श्योर कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको वो मिस्टेक जरूर मिल जाएगी, पर ऐसा करने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम जरूर देना होगा, बट ये दिया गया टाइम आपको एक बेहतर प्रोग्रामर जरूर बनाएगा। ये बात मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स पर आजमाई हुई है। जिन भी स्टूडेंट्स ने इन रूल्स को फॉलो किया है उन्होंने मुझे कुछ दिनों बाद ये रिव्यू जरूर दिया है कि उनकी प्रोग्रामिंग स्किल पहले से थोड़ी बेटर हो गई है। सो गाइस, पहले एक कोड को आप कॉपी पर बनाकर देखें, देन उसे लैपटॉप पर रन करें। ऐसा करने से आपको सिंटैक्सेस याद रखने में ज़्यादा मदद होगी। दूसरा, आप जो प्रोग्राम आपकी कॉपी पर बनाकर देख रहे हैं उसे वहीं पर इवेलुएट करके भी देख लीजिए, ड्राई रन करके भी देख लीजिए, उसके बाद उसे लैपटॉप पर रन करके देखिए। और तीसरा, अगर आपके प्रोग्राम में डिज़ायर्ड आउटपुट नहीं आ रहा है तो मैनुअली उसे ट्रेस कीजिए कि क्यों वो आउटपुट नहीं आ रहा है और उसके अगेंस्ट जो आउटपुट आ रहा है उसके आने का भी रीज़न क्या है। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली कुछ दिनों में आप भी अपने आप को एक बेहतर प्रोग्रामर महसूस कर पाएंगे। सो गाइज, इन टिप्स को आजमा कर देखिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या ये टिप्स से आपकी प्रोग्रामिंग स्किल में थोड़ा इम्प्रूवमेंट आया या नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके गाइस, कैच यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, थैंक यू।